हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, वापस से बीजामा के अंदर एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन आ चुका है, जो कि केवल आपको बीजामा के अंदर देखने को मिलेगा। और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स भी आ चुका है, कुछ चैलेंज भी आ चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले बीजामा के अंदर क्लासिक क्रेड भी रिफ्रेश हो चुका है। लकीली जो चीज़ मैं कल का वीडियो में दिखाया था, तो वही एग्जैक्ट आइटम आपको क्लासिक क्रेड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी आइटम पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो अपने क्लासिक कूपन्स को जमा करके रखिए, जब इसका कॉन्सेप्ट कभी ना कभी चेंज होगा तब आप इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लासिक क्रेड को सेव करते रहिए, सेव करते रहिए, क्योंकि वो तो एक्सपायर होने वाला नहीं है। एक टाइम जब कभी भी आपको अच्छा आइटम भी इसमें देखने को मिले तो आइटम निकाल लेना, नहीं तो कॉन्सेप्ट जब चेंज होगा तब आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं अभी स्किप करने वाला हूँ, बट जो जो आइटम मैं कल दिखाया था, मेन आइटम, वो रिफ्रेश हो चुका है। और बाकी जो रिटर्न आइटम है वो तो आप देख पा, इसमें से कोई भी आइटम पसंद है तो ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसको हम लोग काट देते हैं। उसके बाद गेम के अंदर आ चुका है एक छोटा सा कोलैबोरेशन इवेंट। इसमें हम लोग क्लिक, छोटा नहीं है भाई, एक महीने का इवेंट है। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, इधर आप देख पा चैलेंज द एक्सट्रीम हीरो प्लेयर। और ये इवेंट का टाइम पीरियड आप देख पा रहे हो, 28 अप्रैल से लेकर 21 मई तक ये इवेंट चलने वाला, जिसमें बीजीएमआई हीरो मोटोकॉर्प के साथ कोलैबोरेशन किया है। और लेटेस्ट जो बाइक है, ये जो बाइक आप देख पा रहे हो, ये बाइक मिलने के चांसेस भी हो सकता है। काफ़ी सारे मेरे जान पहचान का ये वाला बाइक लिए है, और ये बाइक भाई वेटिंग में चल रहा, मिल ही नहीं रहा। एक्चुअली डेट देना पड़ रहा, उसके बाद जब आएगा शोरूम में तब जाके मिलने वाला, ठीक है। तो इतना डिमांड है ये बाइक का। तो इधर कुछ मिशंस दिया हुआ, तो आपको 10 मैच में टॉप 10 आना, जैसे आप 10 मैच टॉप 10 आओगे तो आपको क्लासिक कूपन मिल जाएगा। 20 मैच टॉप 10 आओगे तो आपको पैराडाइज टोकन मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप इधर से कुछ भी आइटम रिडीम कर सकते हो, और अच्छा खासा क्वांटिटी मिल रहा, जिसका मतलब ये है कि आउटफिट भी आप इजीली निकाल पाओगे। ये आउटफिट काफ़ी अच्छा है, ये आउटफिट आप निकाल पाओगे। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो, जैसे अगर आप 30 मैच टॉप 10 आते हो तो आपको एक क्लासिक कूपन मिल जाएगा। 40 मैच टॉप 10 आओगे तो आपको वापस से 150 पैराडाइज टोकन मिल जाएगा। 50 मैच टॉप 10 आओगे तो आपको एक क्लासिक कूपन मिल जाएगा। 60 मैच टॉप 10 आने से 200 पैराडाइज टोकन मिल जाएगा। 80 मैच टॉप 10 आओगे तो आपको एक क्लासिक कूपन मिल जाएगा। 100 मैच टॉप 10 आओगे तो ये परमानेंट मार्क्स मिल जाएगा, जो कि नहीं दिख रहा हेलमेट की वजह से। और उसके बाद अगर आप 125 मैच टॉप 10 आते हो तो आपको मिल जाएगा ये परमानेंट आउटफिट लेजेंडरी वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इमॉर्टल गार्डियन सेट, ये आपको परमानेंट मिल जाएगा। इसके लिए टिप्स यही रहेगा कि नूसा खेलिए, लिविक खेलिए और स्क्वाड में खेलिए, जिससे जल्दी जल्दी आप टॉप 10 आ जाओगे। इन गेम रिवॉर्ड जितना भी है सबका सब आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। एक महीना का इवेंट है, एक दिन में करने की कोई भी जरूरत नहीं, तो आराम से टाइम लेके भी कर सकते हो। और जैसे ही कंप्लीट होगा आपको रिवॉर्ड मिलते जाएगा, उसका आप यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो पहला इवेंट था जो कि मैंने बता दिया। सेकेंड इवेंट भी इसके अंदर आ चुका है, जिसका नाम है एक्सट्रीम 125 आर फिनिश चैलेंज। ये इवेंट का टाइम पीरियड केवल 3 ही दिन का है, 28 से लेके 1 मई तक चलेगा। 1 मई को साइड में रखो, क्योंकि 1 मई को ये इवेंट सुबह सुबह चल जाएगा, मतलब 28, 29, 30, ये 3 दिन के अंदर ही आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना है। और जैसे आप एरिना मोड में 125 किल कर लोगे तो आपका यह मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एरिना मोड में मतलब जैसे आप इसमें अनरैंक में क्लिक करोगे, एरिना में क्लिक करोगे, तो एरिना के अंदर जितना भी मैप है इसमें से कोई भी मैप को यूज़ करते हुए 125 किल करना है। एक मैच में नहीं करना भाई, 3 दिन के अंदर आराम से आपको करना है। 125 बंदे को अगर आप एलिमिनेट कर दे तो आपका ये जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, इतना बंदे को मारोगे और आपको केवल आरपी मिशन कार्ड मिल रहा है तो आप सोचोगे कि भाई ये क्या है, बट एक्चुअल में ये इवेंट ऐसे नहीं है। ये इवेंट का ये केवल पहला ही फेज है, इसका सेकेंड फेज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करना है। तो जैसे ही आप 125 किल कर लोगे या 125 फिनिश कर लोगे तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इवन आप अपना कैरियर रिजल्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, कैरियर रिजल्ट में आपको दिख जाएगा फिनिश, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करना है। इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करने के बाद आपको सिंपली वो स्क्रीनशॉट को अपने प्रोफाइल में पोस्ट करना है। पोस्ट करते टाइम कुछ आपको चीज़ें पर ध्यान देना होगा। इधर आप देख पा रहे हो, हीरो मोटोकॉर्प एंड बीजामा की तरफ से एक चैलेंज दिया गया, कंप्लीट द एक्सट्रीम 125 आर फिनिश चैलेंज बिटवीन 28 to 30 अप्रैल, मतलब 3 दिन का इवेंट जैसे आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा। और सिंपली आपको वो जो चैलेंज आपने किया है कंप्लीट, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और 2 चैनल को आपको टैग करना है, @HeroMotorCorp @BattlegroundsMobileIndia। तो ये दोनों चैनल को टैग करना है। उसके बाद ये लोग बोला पोस्ट करना, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आपको कुछ हैशटैग भी यूज कर लेना है, सो डेट आपका चांसेस और भी इंक्रीज हो जाए। इधर आप देख पा रहे हो, हैशटैग चैलेंज द एक्सट्रीम, ये हैशटैग आप यूज कर लेना, हैशटैग हीरो एक्सट्रीम 125 आर और हैशटैग बीजीएमआई, ये 3 हैशटैग भी आप यूज कर लीजिएगा। और उसके बाद आप देख पा रहे, इसमें कुछ रिवॉर्ड लिखा हुआ। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये इन गेम स्किन देने वाला है बाइक का, बट मुझे लगता है एक्चुअल में बाइक देने वाले, क्योंकि इसमें सही समय पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ 3 लकी विनर विल गेट चांस टू विन
बीजा में ब्रांडेड हीरो एक्सट्रीम 125 आया। तो मुझे लगा कि गेम के अंदर भाई हीरो एक्सट्रीम का कोई स्किन आने वाला, बट शायद से ऐसा नहीं है। ये वाला पोस्ट का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो इधर आपको देखने को मिल रहा विन एक्सक्लूसिव इन गेम अवार्ड, तो इन गेम अवार्ड भी आपको मिलेगा एंड लिखा हुआ 3 लकी विनर। जो जो बंदे शेयर करेंगे पूरा इंडिया में उसमें से 3 लकी विनर को 3 लकी विनर हु शेयर कंप्लीट चैलेंज एंड शेयर देयर स्क्रीनशॉट गेट अ चांस टू BGMI को ब्रांडेड एक्सट्रीम 125R। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग रियल बाइक का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि तीन ही बंदे को मिल रहा है और BGMI को ब्रांडेड भी है और इन गेम रिवॉर्ड अलग से बात कर रहा है। तो भाई मुझे लगता है 3 लकी विनर पूरा इंडिया में से जो जो बंदे ये चैलेंज में पार्टिसिपेट लेंगे उनको भाई BGMI को ब्रांडेड एक्सक्लूसिव वाला को ब्रांडेड वाला एक्सट्रीम 125R मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अभी स्किन्स का तो बात नहीं किया, तो मैं उम्मीद कर रहा रियल बाइक ही होगा, स्किन्स होगा तो भाई 100-200 बंदे को तो दे ही सकता था। उसके बाद अगर आप लकी विनर रहेंगे तो हीरो मोटर कॉर्प ने तो BGMI आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे DM में, उसके बाद आपको प्लेयर ID वो सब मांग लेंगे, एड्रेस मांग लेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप लकी विनर रहेंगे उसका टेंशन मत लो, BGMI स्टेप्स कंप्लीट कर देगा बाद में अगर आप लकी विनर रहेंगे तो। लक का बात हुआ तो भाई चलो 10 UC वाला लक स्पिन करते। भाई मुझे लिटरली इस बार 10-10 UC में कुछ भी नहीं मिल रहा, बंदे लोग को एक्सूट मिल जा रहा है, किसी को ग्लाइडर मिल जा रहा है। इंस्टाग्राम मुझे टैग कर करके दिखाते भाई, लिटरली मैं सबका पोस्ट तो करता हूँ बट मुझे भी दिल में दुख रहता कि भाई मैं कभी अपना 10 UC वाला कब पोस्ट करूँगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं 10 UC, लेट्स गो, कुछ अच्छा दे दे भाई। हाँ यही उम्मीद रहता है मेरे को इससे, जब अच्छा बोलता तो एकदम अच्छा दे देता है भाई। फामास का जो स्किन था वो चल गया था, कल आखिरी दिन था। चलो कोई नहीं, एक्सूट पर ट्राई कर लेते हैं, दे दो भाई 1-2 एक्सूट मिल जाए 10 UC में मजा आ जाएगा, 10 लोग को शेयर कर दूंगा। हेयर वी गो, हम लोग को मिलने वाला एक्सूट, हाँ एक्सूट मटेरियल मिल गया, ये भी अच्छा खासा है। इसका ऐसा खरीदने जाए काफ़ी महंगा है, ऊपर से ये 2 मिल गया तो ये अच्छा रिवॉर्ड ही, बट क्या कर सकते जब तक एक्सूट ही नहीं तो क्या करूंगा मैं। खैर चलो इतना रखते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग डेफिनेटली पार्टिसिपेट लीजिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।